हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए, मैं और मेरी कज़न्स है दो, एक मेरी सिस्टर है। तो वो लोग मेरे घर पे आए हुए थे, हमने सोचा ऋषिकेश घूम के आते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब देख रहे हो मौसम रोमांटिक हो रखा है बिल्कुल। तो चलते हैं ऋषिकेश। ये दो लड़कियां एक दूसरे के बाल सही करती हुई। व्यू चलो जी, अब वन टू थ्री चलो। आज का मौसम इतना मस्त हो रखा है ना कि कुछ पूछो ही मत, इतना प्यारा। ये लम्बों ने हमारे साथ, बारिश हो रही है बहुत तेज। और गाइस हम लोग दोबारा से रामझूला पे आ गए, क्योंकि अब ना एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जो अभी खुला है कुछ टाइम पहले, और हमें वो मिल नहीं रहा है। मतलब जो लोकेशन है ना, मैप ने हमें घुमा के रख दिया। ये हम दूसरी बार इसके ऊपर आए हैं, फिर से इस पूरे को क्रॉस करना पड़ रहा है। पैरों में दर्द हो गया, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। पता नहीं कब मिलेगा। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ से, और ये जो बच्ची है ना मेरे साथ, इसको भी बहुत भूख लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं उस रेस्टोरेंट को ढूंढ कर ही रहूँगी और वहीं जाकर खाना खाऊँगी। और अगर कोई नहीं मिला तो क्या हुआ, नहीं मिला तो दूसरे में खा लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। एक तो यहाँ पर ना किसी भी मौसम में आप सर्दी गर्मी बरसात, यहाँ आपको इतनी ही भीड़ मिलने वाली है। अभी कम है, इससे भी ज़्यादा भीड़ मिलती है। आज तो चलो थोड़ी कम है, लेकिन हमेशा इससे भी ज़्यादा भीड़ मिलती है, और बारिश किसी भी टाइम आ जाती है। गाइस हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, भूख बहुत तेज लग रही है। और जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था बहुत दूर है, लेकिन हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। गाइस हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये देखो, अपनी शक्ल मत दिखाओ, व्यू दिखा रही हूँ मैं गाइस को। अभी हमने डिसाइड किया है हमें क्या खाना है। बता दे अनुषा, ये भैया ऑर्डर लेने आ गए। और हमने कर लिए अपनी सीट चेंज, क्योंकि यहाँ जो बैठे थे वो चले गए, तो हम इधर साइड में आ गए, क्योंकि इधर से व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा था। पीछे पूरी नदी बह रही है, तो क्या ही व्यू आ रहा है, मतलब देख सकते हो ना आप लोग कितना प्यारा, मतलब मज़ा ही आ गया बैठ के। क्योंकि जहाँ हमें जाना था वो तो हमें मिला नहीं, और मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमने सोचा चलो यहीं खा लेते हैं। ये भी बहुत सुंदर, लोग खाना खा रहे, खाना आ गया है, दाल मखनी रोटी पाव भाजी अभी और आ रहा है। तो हमने खाना वाना खा लिया है, अब थोड़ी चाय शाय पी लेती जाए। मैंने कॉफ़ी मंगाई है, उन तीनों ने चाय मंगाई है। तो मुझे कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, क्योंकि बाहर की चाय मुझे जल्दी से अच्छी नहीं लगती, चाय मुझे मेरी मम्मी के हाथ की पसंद है, तो मैं बाहर जाके ज़्यादातर कॉफ़ी पीती हूँ, इसलिए चाय मैं कम ही पीती हूँ। बहुत कम जगह पर चाय अच्छी मिलती है, इसलिए मैं चाय पीती ही नहीं हूँ बाहर जाके।
बस मुझे मेरे घर की ही चाय अच्छी लगती है, और मैं कभी बाहर जाती हूँ तो बस कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए नदी के पास नीचे, और यहाँ से भी बहुत प्यारा आ रहा है। बहुत ज़्यादा शाम हो गई, और शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा दिल लगता है ऋषिकेश में। अभी आरती शुरू होने वाली है, लेकिन हमें अभी थोड़ा जल्दी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर रात ज़्यादा हो जाएगी और फिर मेरी मम्मी भी चिल्लाएगी अगर हम रात में घर गए। और यहाँ देख सकते हो बारिश का मौसम है, तो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ गया। और ये हम सब लोग बस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले ली जाए और वीडियोज़ बना ली जाए। बस हम वही कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जो फ़ोटोग्राफ़र है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसको फ़ोटो नहीं लेनी आती और ना ही उसको वीडियो बनानी आती है। मैंने ही थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया बस, उसके बाद थोड़ा से शॉपिंग करेंगे जाते हुए। और हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने। मैंने एक बैग देखा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे वो लेना है। मैं उस बैग के लिए तीसरी बार जा रही हूँ, क्योंकि पहले बार मैंने आते हुए उसको देखा, दूसरी बार हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, और अब मुझे तीसरी बार जाना है वही बैग लेने के लिए। मैंने दोनों बार उस बैग को देखा और अब मुझे वो लेना है। मैंने इन लोगों को थका दिया, लेकिन मुझे वही बैग चाहिए, क्योंकि वो मुझे इतना पसंद आ रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, छोटा सा है, बहुत क्यूट सा, वो बैग चाहिए मुझे। अभी मैं वही लेने जा रही हूँ, लोगों को बोल रही हूँ चलो जल्दी मेरे साथ वो बैग लेने। अभी लेते हैं वही बैग। तो हम लोग उस दुकान में आ गए, और अभी मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए, या फिर उसमें डिज़ाइन भी बहुत सारे थे। अभी मैं अंदर जाके दिखाती हूँ आप सबको। ये वो बैग है, इस पर मेरा दिल आ रहा था, मतलब ये ना ऊन ऊन टाइप का है, बहुत प्यारा लग रहा था। हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हैंडमेड मिलती है ऋषिकेश में, तो आप जब भी आओ ना तो ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करना हैंडमेड चीज़ों की। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है हैंडमेड। और ये जो शॉप है ये राम झूला के, जब राम झूला जाते हैं ना तो वहीं है, लेफ़्ट हैंड में जाते टाइम, लेफ़्ट हैंड में। और जो मुझे बैग चाहिए था मैं उसमें देख रही थी, मैंने उनसे पूछा उसमें कलर्स कितने हैं और डिज़ाइन, तो मुझे दिखा रहे थे इसमें एक वाइट कलर है, ये ऑफ वाइट है, तो ऑफ वाइट मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। अभी वो दीदी मुझे बोल रही थी, मैं तुम्हें और दिखाती हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे कलर है, तो वो लेके ही आ रही थी, देखते कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर वही अच्छा लगता है जो मैंने सबसे पहले देखा था। अभी मुझे दो तीन कलर दिखा रही है, अभी मैं पहले अपनी जो मेरे साथ आए हुए हैं ना बच्चे लोग उनसे पूछ लेती। एक ब्राउन है, ऑफ वाइट है, स्काई ब्लू है, उन सबको वैसे वही पसंद आया जो मुझे पसंद आ रहा था, स्काई ब्लू वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका कलर भी बहुत अच्छा यूनिक सा था। तो मैंने उनको बोला आप यही पैक कर दो, मुझे बस यही चाहिए। और भी मैं वहाँ चीज़ें देख रही थी, बहुत प्यारे प्यारे पाउचेस थे छोटे छोटे, और बैग भी बहुत सुंदर सुंदर है। यहाँ पर आप इस दुकान पर आ सकते हो, अब मुझे इसका नाम तो याद नहीं है क्या था, लेकिन इसमें बैग बहुत सुंदर सुंदर है, तो आप लोग बैग यहाँ से ले सकते हो। बस मैं उनसे बोल रही थी आप जल्दी जल्दी से मेरा ये पैक करो, क्योंकि हमें घर के लिए भी बहुत लेट हो रहा था। तो अंकल ने मुझे बोला कि यहाँ पर छोटे छोटे पाउच भी है, आप वो भी देख सकते हो। मुझे उनकी सारी बात याद आई, फिर उन्होंने मुझे बड़े सुंदर सुंदर दिखाए, फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। और मेरी नज़र पड़ी तो मैं उनको बस देख ही रही थी, वो मुझे अच्छे लगे लेकिन मेरे काम के नहीं थे, तो मैं सोच भी रही थी लेने के लिए, फिर मैंने सोचा वो मेरे किसी काम में नहीं आएंगे, अगर कभी मेरा बाद में दिल करा तो इतना दूर नहीं है मेरे घर से, मैं लेने आ जाऊँगी कभी भी जब मेरा मन करेगा। अभी मेरा मन नहीं था, और मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कि अब मुझे ये लेना चाहिए, उसने भी मुझे मना कर दिया, तो इसलिए मैंने लिया ही नहीं। तो गाइस अभी बस जल्दी जल्दी से पेमेंट करते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं रात के, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और अभी घर जाना है ऋषिकेश से, हरिद्वार वापस जाना है अभी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।